अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे चैनल अम्मी की तरकीबें में मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ और आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करती हूँ कि हमारी काविशों को सराहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। खुश आमदीद। आज हम बनाने वाले हैं फटे दूध की पुडिंग। जी हाँ, ये देखिए इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए हमको। ये देखो, ये जो है ना, हमारा कल रात में दूध फट गया था, इसके लिए अभी हमने सुबह में निकाले हैं इसको और इसी की हम पुडिंग बनाने वाले हैं। ये तकरीबन आधा लीटर दूध है और ये जो है 6 अंडे हैं और ये जो है गुलाब का पानी है और ये हमारे को 10 मिलीलीटर लगेगा और एक चुटकी नमक हमको लगेगा और 125 ग्राम्स जो है ये शक्कर लगेगी और ये है देखो कॉर्नफ्लोर है, ये हमने 20 ग्राम्स लिए है, यानी कि 2 टीस्पून भर के अगर आप लेंगे। अब हम इसकी बनाने की तरकीब बताते हैं आपको। देखो हमने ना ये दूध इधर रखे हैं और इधर जो है स्ट्रेनर रखे हैं एक डेगची के ऊपर और है ना ये पूरा दूध ऐसे उठाने का, इसको ज़्यादा हिलाने का नहीं और इसके अंदर पूरा डाल देने का, तो वो जो नीचे ये फटे दूध का जो पानी रहता है ना, वो पानी है ना नीचे चला जाता है और ऊपर ऊपर जो है ये पनीर रहता है, तो ये पनीर और ये हमको चाहिए और इसका पानी फेंकने का नहीं, इसका भी यूज़ हम आपको बताते हैं। ये पूरा हमने इसके अंदर खाली करे ना, तो देखो ये ऊपर ऐसा पनीर रह गया और नीचे ये पानी। अभी एक कटोरी लेने का और कटोरी के अंदर जो हमने कॉर्नफ्लोर बताया था ना, वो पूरा कॉर्नफ्लोर लेने का और ये जो ये पानी है ना, ये पानी के अंदर इसको घोल लेने का। ये देखो ये थोड़ा थोड़ा ऐसा डाल के इसको ऐसा घोलने का। हमने ये पूरा घोल लिए ना ये ऐसा, अभी है ना ये चूल्हा चालू करने का, ये जो पानी है ना, हाँ ये इसको चूल्हा चालू करने का, लेकिन है ना एकदम स्लो, हाँ स्लो करने और फिर इसके अंदर ना आहिस्ता आहिस्ता ये डालने का, ये डाल के इसको कंटिन्यूसली ना ये चमचे से चलाने का। ये देखो ये कंटिन्यूसली पका है ना हमने, तो इसका देखो ये ऐसी लाई बनी। हाँ ये आटे का कच्चापन मतलब कॉर्नफ्लोर का हमको लगना नहीं चाहिए पुडिंग में, अगर हमने कच्चा पुडिंग में ऐसा ही डाल दिया, मतलब यानी कि जब पकाने के टाइम में ऐसा ही डाल दिया अंडे वगैरह के साथ फेंटने के टाइम में कच्चा कोई पाउडर डालता है तो नीचे एक तरीके की तह बन जाती है और वो अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाता है। तो देखो अभी है ना इसको थोड़ा सा ठंडा होने देने का, फिर हम बताते हैं आपको क्या करने का। बस अभी चूल्हा बंद कर दो। ये देखो अभी हमने ना ये मिक्सर रखे इधर और मिक्सर में ना अभी ये पूरे 6 अंडे हैं, ये 6 अंडे पूरे ऐसे डालने के, फिर एक के बाद सब चीज़ें ऐसे डालने की, फिर ये शक्कर है, ये शक्कर हम डाल रहे हैं, फिर हमने ये 1 चम्मच ये बताए थे ना आपको कि 10 ग्राम इतना ये लेने का, ये गुलाब का पानी है इतना डालने का, ये डाले अभी, ये भी डालने का, ये जो पनीर हमने निकाले थे ये डाल देने का। फिर देखो ये पनीर डाल दिए और ये अभी नमक, हाँ एक चुटकी भर नमक है खाली, और ये जो हमने कॉर्नफ्लोर उसके पानी के अंदर करे थे ना, फटे हुए दूध का जो पानी निकाले थे जो घोल बनाए थे, तो वो डाल देने का पूरा बस, और डाल के इसको पीसने का। ये पूरा पीस के हम बताते हैं आपको। देखो अब हम ना इसको पीस रहे हैं। हाँ देखो ये देखो ये हमने पीसे ना, तो देखो ये इतना पतला हो जाता है, ये तो इसे डरने का नहीं। ये जो है ना हमने कुकर में ये पूरा तेल लगा के रखे सब तरफ और है ना इसके अंदर ये पूरा डाल देने का बैटर। ये देखो ये बैटर इसके अंदर हमने पूरा डाले ना, बस अभी ये ना जितना स्लो हो सके आपका चूल्हा उतना स्लो करने का, चूल्हा उसके ऊपर रखने का और बगैर वेट के यानी बगैर सीटी के कुकर का ढक्कन इसको लगा देने का। देखो ये कुकर बंद कर दिया हमने और
ये देखो कि है ना 15 मिनट तक उसको भूल जाने का, पूरा 15 मिनट तक उसको वैसे के वैसे ही रहने का खुद ब खुद, फिर वो पक जाता है। फिर हम इसको खोल कर देखेंगे तो पूरा अच्छी तरीके से छुरी डाल के देखेंगे ना तो पूरा पक जाता है। हमने दूसरों की तरह उसको भाप पे नहीं ये करे, डायरेक्ट डायरेक्ट उसको डाले हैं और हम आपको बताते हैं कि कैसा इसको करने का। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, अभी हम ये चूल्हा बंद कर रहे हैं आपके सामने और है ना अभी ये खोल कर बताते हैं आपको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक कोई छुरी ले लीजिए और उसे ही चेक कीजिए। ये देखो ये पूरी साफ आई है, ये पूरा हो गया है, लेकिन अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, ऐसा ही खुला, इसका ढक्कन नहीं लगाएंगे और फिर बाद में हम इसके ना पीसेस निकाल के आपको बताते हैं। देखिए ये है ना अभी हमने काट के पुडिंग को रखे है, उसमें से कुछ बड़े टुकड़े निकाले इसके और कुछ छोटे टुकड़े निकाले, अभी इंशाल्लाह ताला हमारा बच्चा आपको खा के बताता है इसका टेस्ट। अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह।